कैशबुक स्टार्ट करते हैं। द पर्सन नंबर 13.3 उसकी कैशबुक बनाएंगे। ये सब हम लिख चुके हैं ना, डिस्काउंट वगैरह। अच्छा, ये हमने कॉपी कर लिया था आप लोगों ने लास्ट क्लास में, बता दिया था ना सब। ये भी आपने कॉपी कर लिया। गर्मी लग रही है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट कॉपी कर लिया था आपने? फॉर्मेट कॉपी कर लिया है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। चलें, जिसको रीड कर रहे थे। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए बैलेंस दिए हमें। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैश का बैलेंस है 620, बैंक बैलेंस है 7142। बैलेंस आ गए। इसके बाद ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स बाय चेक, जिसले एक पे फिश टी होल्ड। ओके, अच्छा ये बताइए, ये पेमेंट है हमारे लिए या रिसिप्ट है? ये हम पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं? ये हम रिसीव कर रहे हैं ना। द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स बाय चेक, तो हमारे लिए रिसिप्ट हो गई। अच्छा, चेक रिसीव कर रहे हैं तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब हम बना रहे हैं कैशबुक, तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा डेबिट 860 से, बैंक डेबिट 320, बैंक डेबिट 420 से, ठीक। बैंक डेबिट हो गया डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ ना स्पेस कम थी तो मैंने नाम लिख दिया। आप चाहे तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल डैश डाल के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर फोर, मार्च फोर है, पेड रेंट बाय चेक 430, पेमेंट हो रही है। ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। डबल एंट्री क्या होगी इसकी? रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट हो गया। टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, मार्च सिक्स है, एफ ब्लैक लेंडर्स 5000 पेइंग बाय चेक। अच्छा, इसमें रिसीव कर रहे हैं हम, तो इसकी डबल एंट्री होगी, बैंक डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 5000 से। नेक्स्ट है एट, वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट्स बाय चेक, इन ईच केस डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। आर वाइट 720, जी ग्रीन 960, एल फ्लिप 1600, ऑल अमाउंट्स आर प्री डिस्काउंट। अच्छा, प्री डिस्काउंट मींस बिफोर डिस्काउंट, तब इन सब में से डिस्काउंट मान निकालना, माइनस करेंगे। अच्छा, अभी हम पे कर रहे हैं ना, तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? वैसे डबल एंट्री क्या बनेगी? कहा हम पे कर रहे हैं,
अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा डिस्क्रेडिट होगा हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा ना अलाउड थोड़ी है पे कर रहे हैं तो एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा इसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट कितना होगा पहला अमाउंट है आपका 720 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 डिस्काउंट रिसीव होगा 18 का और अब पे कितने करना होंगे 700 एंट्री होगी बैंक क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है अमाउंट कितना 960 तो 960 का 2.5% 24 960 से 24 माइनस करते हैं तो 936 करेंगे बैंक क्रेडिट हो जाएगा 936 से और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 24 नेक्स्ट है फ्लिप 1600 1600 का 2.5% 40 माइनस करेंगे 1600 तो 1560 करना होंगे बैंक क्रेडिट होगा 1560 से और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 40 क्लियर यहां तक प्रॉब्लम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंबर एंड मार्च एट मोटर एक्सपेंस इन कैश तो इसकी डबल एंट्री होगी मोटर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट तो ये कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 डे बाय पेजेस अकाउंट बाय चेक तो बैंक डेबिट हो जाएगा 15 पेड वेजेस इन कैश Wages expense debit cash credit होगा receipt और अच्छा मार्च 15 है ना 15 हो गया मार्च 18 following paid their accounts by check A Pony B line TO1 okay The following paid their accounts by check. Okay, अब check receive कर रहे हैं तो entry होगी bank debit account receivable credit. तो bank debit होगा पहले 540 से second 700 bank debit 700 next 520 bank debit 520 अच्छा 21 इसमें क्या दिखता है 21 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज है बिजनेस यूज ठीक है। अच्छा इसकी डबल एंट्री क्या होगी डबल एंट्री क्या बनेगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा यहाँ पे हम कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इसकी डबल एंट्री यही बन जाएगी कैश डेबिट होगा 400 से और बैंक क्रेडिट होगा 400 कैश डेबिट 400 बैंक क्रेडिट 400। अच्छा इसमें देखिए मैंने यहाँ पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में लेटर सी लिखा है इसकी फुल फॉर्म होती है सी कॉन्ट्रा फुल फॉर्म क्या कॉन्ट्रा ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड हो दोनों आए उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आ रहे हो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब ऐसी दो ही ट्रांजेक्शन होती हैं एक हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं और सेकेंड हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री और इसके लिए यहाँ रेफरेंस के कॉलम में लेटर सी यूज किया जाए। 24 कैश ड्रॉइंग्स इसकी डबल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा
पंडित। नेक्स्ट 25 पेट डब्ल्यू पेट इज अकाउंट बैंक से ड्रॉ कर रहे हैं ना, लिखा कैश ड्राइंग का मतलब कैश लिखा था, कैश का मतलब कैश ड्रॉ किया था। 21st में कैश ड्राइंग हो रहा है, कैश विड्रॉ किया है, पर क्या कैश निकाला, विड्रॉ किया निकाला, यहाँ बिजनेस से निकाल के घर ले गए, पर्सनल ड्रॉइंग्स वहीं पे आता है। 25 है पे डब्ल्यू पी इज अकाउंट 160 बाय कैश, अच्छी 160 नहीं है 155 है ये, तो अपने पास आप करेक्शन कर लेना 155 लिख दीजिएगा हैंड आउट में, 160 को काट के 155 कर दे। मैंने ओवर हेड में इसको हैंड आउट में अपडेट नहीं किया। लास्ट नेक्स्ट है 29 बॉट फिक्सर्स पेइंग बाय चेक, उसकी एंट्री होगी फिक्सर्स डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, इसके डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, तो बैंक डेबिट हो रहे ये बैंक हो जाएगा डेबिट 120 से, ठीक है। अच्छा ट्रांजेक्शन हो गए कंप्लीट। अच्छा मंथ एंड हुआ तो मंथ एंड पे हम कैश बुक को क्लोज करेंगे और बैलेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये थी पोस्टिंग, अब क्लोजिंग और बैलेंसिंग। अच्छा क्लोजिंग बैलेंसिंग उसी तरह होगी जैसे ना टी अकाउंट में होती है कि दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो दोनों साइड पे लिखेंगे, कम वाली साइड उसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, वो फिर नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक। अब इसके टोटल करेंगे तो इसका टोटल का जिस तरह बनेगा ये टोटल्स आ गए। अच्छा इसमें देखिए दोनों की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो डेबिट वाला टोटल हम लिखेंगे दोनों साइड्स पर, ये डेबिट का टोटल क्रेडिट पे लिखा। अब इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, अब कैश का टोटल है 1020 माइनस करें 1016 तो बैलेंस आएगा 4, और बैंक का टोटल है 15112 से 4748 माइनस करेंगे बैंक बैलेंस आ जाएगा 10364, इनके कैरी डाउन बैलेंस आ गए और ये नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन हो जाएंगे, ये कैश बुक हमारी कंप्लीट। क्लियर, सही। रिपीट कर देता हूँ, ये हमने इनके चारों सबका कॉलम्स का टोटल कर लिया पहले, ठीक है। डेबिट का टोटल आ गया, क्रेडिट साइड्स आ गई। अच्छा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो ज्यादा वाला अमाउंट दोनों साइड पे लिखेंगे, फिर से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन आ गए बैलेंस सीडी, और ये डेबिट पे जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा इसमें जो डिस्काउंट है, देखिए हमने डिस्काउंट के कॉलम को बैलेंस नहीं किया तो ये बैलेंस नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो भी इसका टोटल आता है ना डिस्काउंट रिसीव का, हम ये जनरल लेजर में टी अकाउंट बनाते हैं, जनरल लेजर में टी अकाउंट बनेगा एक डिस्काउंट रिसीव का, टी अकाउंट बनता है डिस्काउंट रिसीव के नाम बनेगा। और यहां पे इसको हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे 80, कि मंथ एंड पर डिस्काउंट के कॉलम का टोटल करेंगे और जो भी इसका टोटल आएगा वो जनरल लेजर में डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट्स पेबल आएगा। अच्छा ये कॉलम का हमें डेट कैश में, डेट डिस्क्रिप्शन में अकाउंट पेबल और अमाउंट में 82 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट कब रिसीव होता है जब आप पे करते हैं। अच्छा डबल एंट्री क्या बनती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट होता है ना, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा तो डेबिट में क्या लिखना है आपने, अकाउंट्स पेबल आ जाता है डिस्क्रिप्शन, आपने पे किया तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, सही। सर डिस्काउंट तो फिर डेबिट होगा ना, क्यों डेबिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट पे जाता है ना,
प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, इनकम हुई, प्रॉफिट फायदा इनकम क्रेडिट होता है ना, डेबिट होता है। पेटी कैश बुक, ठीक है। अच्छा, पेटी कैश बुक का पर्पस मैंने आपको लिखवाया था, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेली के जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के जो स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, या कह लें जो डेली के हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी हो गए, चाय कॉफी हो गया, ट्रैवलिंग हो गए, रिक्शा टैक्सी फेयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो डेली के जो हमारे स्मॉल पेमेंट्स होती है, स्मॉल एक्सपेंसेस, वो रिकॉर्ड होते हैं पेटी कैश। ट्रांसपोर्टेशन देती है तो पेटी कैश बुक में आता है? नहीं, रिक्शा टैक्सी का जो काम होगा, ऑफिस से काम पे जाना है, कुछ लाना है, वो वाला आपको भेज दिया जाके, और दो बाजार से स्टेशनरी लेकर आए, अब रिक्शा करके गए, रिक्शा में आ गया तो वो गया, ठीक है। अच्छा, इसका सिस्टम क्या होता है पहले वो समझ लें, सिस्टम क्या होता है पहले वो समझ लें। अच्छा, कि जो भी एम्प्लॉय पेटी कैश बुक मेंटेन करता है उसे कहते हैं पेटी कैशियर, ठीक है। क्या कहलाएगा? पेटी कैशियर कहलाता है, कैशियर होता है, और एक आपका पेटी कैशियर होता है। अच्छा, सिस्टम क्या होता है इसका, कि मंथ स्टार्ट पे मतलब एक अमाउंट बल्कि हम फिक्स करते हैं, पहले से एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि हमारे मंथली पेटी कैश एक्सपेंस कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, सपोज कर ले हमने एक अमाउंट फिक्स किया कि हमारे मंथली जो पेटी कैश एक्सपेंस है वो होंगे 5,000। अच्छा, तो क्या करते हैं फिर कि जनवरी फर्स्ट जब मंथ स्टार्ट होगा, मंथ स्टार्ट पे जो भी बिजनेस का आपका कैशियर या अकाउंटेंट है वो पेटी कैशियर को 5,000 देगा, ठीक है। और पेटी कैशियर क्या करेगा, 5,000 ले जाकर अपने पास ड्रॉअर में या किसी बॉक्स में रख लेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अमाउंट, ये अमाउंट जो हम फिक्स करते हैं उसे कहा जाता है पेटी कैश फ्लोट कहा जाता है, ठीक है। जो फिक्स अमाउंट होता है उसे कहते हैं पेटी कैश फ्लोट। अच्छा, पेटी कैश फ्लोट है हमारा 5,000। अच्छा, मंथ स्टार्ट पे कैशियर या अकाउंटेंट जो है वो 5,000 पेटी कैशियर को देगा, और वो जाके अपने पास ड्रॉअर में, लॉकर में, किसी बॉक्स में रख लेगा, ठीक है। 5,000 जो है तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होगा ना, जी फिक्स तो नहीं होगा, ये किस नहीं होता होगा, फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मंथ के एंड पे 5,000 से एक्सीड कर जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर कर जाए तो फिर कैश बुक से पे कर, ठीक। अच्छा, पेटी कैशियर के पास 5,000 आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, पेटी कैशियर जब वो पेमेंट्स करता रहेगा पूरे मंथ, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, स्टेशनरी लानी है, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी रिपेयर मेंटेनेंस। अच्छा, जब भी पेमेंट होगी तो पेमेंट के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट करेंगे पियोन को बुलाया और आपने उससे मंगवानी है स्टेशनरी, तो आप उसको कैश देंगे, वो जाकर स्टेशनरी लेकर आ जाएगा। तो उससे पहले आप बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट, उस पर उसका डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और इस पियोन के एम्प्लॉय के साइन लेंगे जिसको आप पैसे दे रहे हैं, ताकि रिटर्न में एक प्रूफ आ जाए आपके पास कि आपने पैसे दिए हैं, पेमेंट कर दिए, ठीक। तो वो जो डॉक्यूमेंट बनता है उसे हम कहते हैं वाउचर, कैश वाउचर। हर पेमेंट के टाइम पर एक वाउचर बनेगा, ताकि वो एक प्रूफ रहेगा आपके पास कि आपने पेमेंट किसे की और क्यों पेमेंट की है, ठीक। तो सपोज कर लेंगे आपके टोटल वाउचर बने 4,500, टोटल पेमेंट आपने की 4,500, तो मंथ एंड पे बैलेंस कितना बचेगा, 500 आपका बैलेंस बच जाएगा। अच्छा, क्या होगा कि मंथ एंड पे जो पेटी कैशियर है अपनी पेटी कैश बुक और ये वाउचर सारे लेकर जाएगा कैशियर के पास, और उसको दिखा देगा भाई ये मुझे पैसे मिले, ये पेमेंट हो गई और ये बैलेंस बच गया। अब जो कैशियर या अकाउंटेंट आपका वो वाउचर्स को, बिल्स को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे 4,500 उसको वापस दे देगा, जितने एक्सपेंस होंगे उतने ही पैसे उसको वापस दे दिए जाएंगे, और फिर से उसका बैलेंस रिस्टोर होकर
तो फिर से उसका बैलेंस क्या होगा, रिस्टोर होके 5000 हो जाएगा, नहीं होते कैश बुक से पे करते हैं, 5000 है तो 6000 कैसे पे करेगा, अगले महीने बढ़ा देंगे फिर, ये होता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पेमेंट अमाउंट हमेशा ज्यादा ही रखा जाता है, तो प्रैक्टिकली इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आते। और कभी ऐसा हो जाए तो फिर कैश बुक से पेमेंट कर दी जाती है। अच्छा, ये जो अमाउंट उसको मिलता है ना 4500, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिइंबर्समेंट, रिइंबर्स से रिइंबर्समेंट। तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे 4500 रिइंबर्स होंगे और फिर से बैलेंस रिस्टोर होकर 5000 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मंथ में उसने पेमेंट्स की, वाउचर बने और टोटल उसने पे किए 4800 हो गए, तो बैलेंस कितना बचेगा, 200 बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे बैलेंस रहेगा आपके पास 200। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे ये हो गया Feb 28। नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पर उसको रिमर्स कितने होंगे, अब कितना अमाउंट रिमर्स होगा, 4800 और फिर से बैलेंस रिस्टोर होकर 5000 हो जाएगा। ये एक सिस्टम होता है पेटी कैश का। अच्छा, सिस्टम को कहते क्या है, इसका नाम क्या है, इस सिस्टम का नाम होता है इंप्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इंप्रेस्ड सिस्टम। एक अमाउंट आप फिक्स कर लें, जितनी पेमेंट्स हो उतने ही पैसे रिइंबर्स कर दें। ठीक है, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया इंप्रेस्ड सिस्टम की एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, पर जितनी पेमेंट्स होती हैं उतने ही पैसे रिइंबर्स हो जाते हैं, फिर से उसका बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। अच्छा, एक सिस्टम और होता है, हम कहते हैं नॉन इंप्रेस्ड सिस्टम। देखिए, नॉन इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, जैसे 5000 हमने फिक्स किए, तो हर मंथ के स्टार्ट पे जो पेडी कैशियर है उसको 5000 कैश मिलता रहेगा, एक्सपेंस कुछ भी हो, एक्सपेंस कितने भी हो जाए, हर महीने के स्टार्ट पे उसको 5000 कैश मिलेगा। तो कैसे होंगे, कमी होंगे ना, नहीं पे करेगा ना, कैसे करेगा, जेब में 5000 है तो 5200 पे कैसे कर सकते हैं आप, वो कैश बुक से पे करेंगे, चार दफा बता दो मैंने अच्छा ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें क्या होता है, नॉन इंप्रेस सिस्टम होता है कि आप फिक्स अमाउंट हर महीने देते रहेंगे, जब ईयर एंड होगा दिसंबर में, फिर आप जाकर उसकी पूरे साल की जो पीडी कैश बुक है उसको वेरीफाई करते हैं, तो पूरे साल में अमाउंट कितना बनेगा, 60,000। तो फिर ईयर एंड हम पूरे साल के 60,000 को वेरीफाई करेंगे, फिर उसकी पीडी कैश बुक चेक की जाएगी, वाउचर वगैरह सब चेक होंगे कि कितना अमाउंट मिला, कितना खर्च हुआ, कितने पैसे बच। ठीक है, अच्छा, लेकिन नॉर्मली जो है नॉन इंप्रेस सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें देखिए फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, कि अगर आपका जो पीडी कैश है वो बेईमान है, तो उसका पूरा साल है, तो आराम से वो पैसे इधर उधर कर सकता है। ठीक, तो नॉन इंप्रेस सिस्टम वही यूज होता है जहां आपका या तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो कि कोई एम्प्लॉय बेईमानी ना कर सके, या आपके एम्प्लॉयज बहुत ईमानदार हो। ठीक है, हाँ, और ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए फिर नॉन इंप्रेस सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, नॉर्मली नॉन इंप्रेस सिस्टम, इंप्रेस सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, हर महीने आप उसको वेरीफाई करते जाए एक्सपेंसेस को और रिइंबर्स करते। अभी कॉपी कर लें।